इमरान मलिक साहब, मैंने यूसी चेयरमैन से भी बात कर ली है और डिप्टी मेयर से भी बात कर ली है। फाइनेंस डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं, इमरान मलिक साहब गुज़िश्ता कई प्रोग्राम हम लाहौर की सफाई पे कर चुके हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सैनिटरी वर्कर्स हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जो चेक्स दिए वही बाउंस हो गए, वो बोगस चेक निकले, ये हो क्या रहा है, कुछ समझ आ रही है? मदीहा, बिल्कुल, आज आपका जो प्रोग्राम है उसका थीम भी चेंज है और अच्छा प्रोग्राम आप कर रहे हैं। शहर लाहौर के जो 1,12,00,000 की आबादी है वो इस पर मुतासर है, और इस हवाले से मैं आपको एक बात बताऊं कि इनमें से इस वक्त की जो सूरत हाल है, इस वक्त की सूरत हाल में ये तमाम डिप्टी मेयर्स हैं, यहाँ पे इजाज़ अफीस साहब भी मौजूद हैं, मियां मोहम्मद तारिक साहब, नदी स्वाति साहब, और इसके साथ साथ मुश्ताक मुगल साहब, लाहौर का पूरे लाहौर का आधा लाहौर आपके पास मौजूद है। बिल्कुल, लाहौर के नुमाइंदगान हैं यहाँ। जो मेडबिल्डिंग कारपोरेशन का 2018-19 का बजट था वो 10 अरब 75 करोड़ के पास था, पास है, ये इनका अपना बजट है, ये जो 10.75 बिलियन, ये जो इनके अपने पूरे लाहौर की रिकवरियां होती हैं रेगुलेशन की मद में, प्रॉपर्टी की मद में, नक्शा जात की मद में, ये इनके अपने पैसे हैं, ये पास है, ये इनका अपना हाउस पास करता है, ठीक है, वो तमाम चीजें हमें समझ आ रही है। सियासी तौर पर अभी अभी कौन सी सियासी इंतकामी कार्रवाई लाहौर के अगेंस्ट हो रही है, लाहौर का क्या कसूर है कि जो बल्दियाती हुकूमत है वो नून लीग की है और जो सूबाई हुकूमत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, इसमें लाहौर का क्या कसूर है? मदीहा, यही तो बताना चाह रहे हैं कि वो ये चाहते हैं कि इस मेयर को, इस निजाम को बिल्कुल फारिग करें, ये बल्दियाती नुमाइंदों को फारिग करें, गली गली मोहल्ले मोहल्ले कूचे कूचे में इनको गाली। ये तो इस सियासी जमात का मंशूर भी था कि नया बल्दियाती निजाम लेकर आएंगे, केपीके की तर्ज का कहां गया वो निजाम, वजीर तो चले गए, अब्दुल अलीम खान साहब तो चले गए, अब वो पीछे इसका वाली वारिस कौन है बल्दियाती निजाम का? वजीर बल्दियात राजा बशारत है। क्या कर रहे हैं, नया मसौदा लाए? ना, कोई मसौदा, देखें अभी तो कल एक खबर आई है कि जी वो मसौदा सेक्रेटरी बल्दियात ने राजा बशारत साहब को दे दिया है और वो असेंबली में पेश करेंगे, इनको इत्माद में लेंगे। मगर मैं फिर आपको बताऊँ की इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है, मौजूदा सूरत हाल बागों का शहर, बड़े बड़े अंडर पासिस वाला शहर, बड़ी बड़ी सड़कों वाला शहर, फास्ट ट्रैक वाला शहर, आपकी शहबाज शरीफ ने बनाई है, आपकी ही बात से एंड्रॉइड, अभी तक कोई एंड्रॉइड, आपकी ही बात को मैं सेकंड करूंगा, एंड्रॉइड मोबाइल से इनको 3310 वाले मोबाइल पर वापस लाया जा रहा है। बुज़दार सरकार में आने के बाद इस वक्त मेयर लाहौर कर्नल जो इस वक्त अपने कमरे में रोजाना आके बैठते हैं, उनको इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि कभी कभी, क्योंकि रोजाना ब्लड प्रेशर की गोली, रोजाना शुगर की गोली, रोजाना अपने आपको शुगर लगाना, और ये प्रेशर मीडिया का भी अकाउंट होता है, हम इनको देखते हैं। अब इनके तहफ़ुज़ात अलग हैं। अच्छा चले, बीइंग अ जर्नलिस्ट, हम भी रोज कफ की गोली, हम भी रोज स्नीजिंग की गोली, हम भी रोज सरदर्द की गोली, मिग्रेन की गोली खाते हैं, क्योंकि हमें रिपोर्टिंग क्या करनी पड़ती है कि लाहौर शहर में जाबजा कूड़ा है, लाहौर शहर में जाबजा सीवरेज का निजाम खराब है, हम भी रोज हमारी दौड़ें लगती हैं, बीइंग अ जर्नलिस्ट रोज हमारी दौड़ें लगती हैं, तो ये लाहौर शहर के मामला ठीक क्यों नहीं हो रहे? इन्होंने इस गवर्नमेंट ने जो इलेक्शन लड़ा था ना, उसमें इन्होंने कहा था जी साफ पानी नहीं है, हमारे दौर में बेहतरीन पानी था, लेकिन जब से ये आए हैं, एक तो पानी लोगों को नहीं मिल रहा और ऊपर से साफ नहीं मिल रहा। अच्छा बजट फिर जा, अच्छा एक शहर का अपना बजट है बल्दियाती बजट, ये बजट कहाँ जा रहा है? ये बजट इस वक्त बिल्कुल इनके पास पड़ा हुआ है, ये किनके? मेडबिल्डिंग कॉर्पोरेशन के पास। अच्छा, कॉर्पोरेशन के पास बजट होते हुए भी वो लगा नहीं रहे, इनके बॉस मेयर लाहौर के बॉस जो है वो सेक्रेटरी बल्दियात और कमिश्नर है। अच्छा, जब ये इधर से स्कीमें अपनी बजट के लिए बनाकर भेजते हैं सेक्रेटरी बल्दियात को, तो वो अपने चीफ इंजीनियर को कहते हैं कि इनकी स्कीमें चेक की जाए। अच्छा, ये उनका मौकफ है, हम नहीं कहेंगे एज अ रिपोर्टिंग, बात ये है कि लाल से काम लेते हैं, बात ये है कि मेट्रोपोलिटन कॉर्पोरेशन में ये 99% लोग मुस्लिम लीग नून के जीते हुए, अब ये जो सूबाई गवर्नमेंट है वो दिल से ये बात मान चुकी है कि लाहौर को डेवलप किया मियां शहबाज शरीफ साहब ने, मियां नवाज शरीफ साहब ने। ठीक है, आप लोग अपने ही निजाम, अपने निजाम को, क्योंकि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखते हैं, अपनी तारीफ खुद भी कर रहे हैं और तरक्यात के हवाले से आप बात कर रहे हैं, अपने ही मेयर से क्यों नाराज हैं, जब आपको पता है कि जब मेयर कोई भी तरक्याती स्कीम की मद में बजट के लिए जो फाइनेंस हुकूमत को या फाइनेंस डिपार्टमेंट को या फिर आप सेक्रेटरी बल्दियात की जानब वो कोई भी तरक्याती स्कीम के जो पेपर्स हैं वो भेजते हैं तो बजट पास नहीं होता, तो आप अपने मेयर को तनकीद का निशाना क्यों बनाते हैं, खुश क्यों नहीं है आप? तरक्याती कामों पे नाराजगी नहीं है, क्योंकि
मुद्दा यही है लाहौर की गर्म खबर, बड़ी खबर यही है कि पहले तो 72 चेयरमैन थे, उन्होंने प्रेशर ग्रुप बनाया और वो उन्होंने कहा जी हमारे काम ही चल रहे, और उसके बाद अब डिप्टी मेयर भी कल अपने मरकजी दफ्तर में गए हैं और वहाँ पर ख्वाजा इमरान नज़ीर जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनकी ज़ेर सदारत इजलास हुआ है, वहाँ पर फट पड़े हुए कहते हैं ये इलेक्टेड नहीं, ये सिलेक्टेड मेयर है और ये मैं भी सिलेक्टेड हूँ, ये तो सिस्टम का हिस्सा है, ये बात नहीं है। देखिए चाहिए कि अपने सुने बात, ये ऐसी बात नहीं है, हमारा आपस में बिल्कुल इत्तेफाक है, हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम साथी हैं। मेयर बीच में मेयर के पीछे क्यों? ना आप लोगों ने तो सलाम भी करना छोड़ दिया मेयर की वजह से, उनकी क्योंकि वो आए हैं, रवैया क्यों तब्दील हो गया उनका, उनका एक मिजाज होता है, वो ये होती है सियासत, यहाँ सियासी वर्कर होते हैं, यहाँ अंदर दिल में तकलीफ भी हो ना तो चेहरे पे स्माइलिंग, मीठे बोल, वो काम ना भी हो वो अगले को कह दे कि यार नाराज क्यों है उनसे आप? बस ये हम चाहते हैं उनके लबों से मीठे बोल निकलें, हम एक अपना छोटा बेटा समझें बस। तो ये ऐसे ही है जैसे शादी के मौके पर फूफो नाराज हो जाती है, आप फूफी का किरदार अदा करें। नहीं किरदार, हम तो इनके दरमियान चेयरमैनों के दरमियान और मेयर के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहे हैं, मियां तारिक साहब मैं ये सब हम रवैयों में अपने रवैयों में चेंजिंग लेके आए, मिठास होनी चाहिए, शीरी लब होने चाहिए, शीरी अल्फाज होने चाहिए और आएगी की रिस्पेक्ट और इज्जत होनी चाहिए, और चाहिए कि उन्हें भी चाहिए डिप्टी मेयरों को अपने बाजू समझे। ठीक है मुझे मजदूरी, मैं जब कोई आदमी निकलता है ना बाहर तो सारा दिन वो काम करता है, मुझे कर जाता है ना तो उसकी बीवी मुस्कुरा के कहती है बीवी की हाल है सोने आ गए, थकावट दूर हो जाए। आप ये चाहते हैं मेयर आपको ये कहे मुझे इजाजत दीजिए, मुझे इजाजत दीजिए। नाज़रीन मुझे अब मेयर लाहौर के पास जाना है कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद साहब, ये तमाम तर ये जो गिले शिकवे इनके हवाले से क्या कहते हैं और जो लाहौर के तरक्याती काम है बजट है वो कहाँ है, तरक्याती काम कहाँ है, उनसे जाके ये सवाल पूछते हैं। आई इस वक्त हमारे साथ लॉर्ड मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद साहब खुद मौजूद हैं। तमाम कंफ्यूजन जो ये फैली है वो कंफ्यूजन क्यों फैली है कुछ हम सवालात पूछेंगे ताकि ये कंफ्यूजन जो है वो थोड़ी सी कम हो जाए। मेयर साहब आपके प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं, हमने ये देखा कि लाहौर शहर ऐसा शहर जिसने तरक्की की बहुत सारी मनाजिल तय कर ली, अभी हम जब लाहौर की सड़कों पर निकलते हैं या कोई बाहर से 10 साल बाद 5 साल बाद लाहौर में आता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ठीक है ऐसी बात, बिल्कुल जी, ये वही शहर है। अब उस शहर में पिछले एक साल से तरक्की का ग्राफ लॉर्ड मेयर की नज़र में ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, थैंक यू वेरी मच। आप सारे शहर को रोज़ाना टीवी की स्क्रीन पर दिखाती हैं, लाहौर शहर वो नहीं रहा जो पिछले साल था, लाहौर शहर के पौधे सड़ने शुरू हो गए हैं, लाहौर शहर की गलियों और सड़कों पर गंद है, लाहौर शहर में वो मंसूबे जिनके लिए बजट की एलोकेशन हो चुकी हुई थी वो काम वहीं के वहीं रुके हुए हैं, स्पोर्ट्स स्टेडियम बन रहे थे वो रुक गए हैं, ऑरेंज लाइन ट्रेन के नीचे जो है आप देखें गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं, प्रोजेक्ट वहाँ पर रुक गया है। उसके बाद जो सफाई सुथराई का आलम है या पैच रिपेयर्स वगैरह है उसके सारे फंड्स जो हैं वो डेवलपमेंट्स के या नॉन डेवलपमेंट के बिल्कुल नहीं हमें दिए गए, नॉन डेवलपमेंट के जो हैं वो कंसिडरेबली रिड्यूस कर दिए गए हैं, उस फंड्स में हम अपने लोकल जो हमारे कॉरपोरेशन के फंड्स हैं उनको ऐड करके हम तनख्वाहें और पेंशन दे रहे हैं, और फिर भी अपने फंड जो हैं उसकी हमने 80 करोड़ की स्कीमें जो हैं वो भेजी हुई हैं, उसका हमारा जाती कॉरपोरेशन का इख्तियार है कि हमने उसको एक्सिक्यूट कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उसमें इंटरफेयर कर रही है और वो स्कीम्स जो हैं वो नहीं हुई हैं, गलियां टूट। अच्छा ठीक है ये बात हो गई, 2012 के लोकल गवर्नमेंट एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने जब बहाल किया तो तमाम तरह इख्तियार बलदियाती हुकूमत के अंडर आ गए या नहीं? जी बिल्कुल, तो फिर के मुताबिक आ गए मगर फिजिकली हमें पूरे नहीं मिले। तो फिर ये जो तरक्की रुकी है क्या मैं ये कहूँ कि लॉर्ड मेयर इसके कसूरवार हैं? लॉर्ड मेयर बिल्कुल कसूरवार नहीं है, लॉर्ड मेयर तो सुप्रीम कोर्ट में गया सिर्फ इसीलिए कि हमें 2013 के कानून के मुताबिक काम नहीं करने दिया जा रहा, रूल्स ऑफ बिजनेस जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बनाए हुए हैं वो हमारे लिए हैं, हमने उनके ऊपर कारबंद होकर काम करना है, हमारा अपना चेक एंड बैलेंस है उसको लेकर चलना है,
वो काम रुके हुए हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में मैं चला गया था कि जी हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। एलडीए के साथ अभी आप सुप्रीम कोर्ट से रजू कर चुके हैं, कर चुके हैं, और अभी इंशाल्लाह आधे घंटे के बाद मैं एडवोकेट जनरल पंजाब के पास जा रहा हूं, जिन्होंने इस बात की रिपोर्ट बनाकर 19 तारीख है हमारी सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ उन्होंने ये पेश करनी है। हमारी अल्लाह से दुआ है कि हुकूमत उससे पहले हमें वो जो हमारे काम रुके हुए हैं वो करने दे, हमारा जो सफाई का निज़ाम धर्म भरम हो गया उसको हुकूमत आगे लेकर चले। क्योंकि तमाम बातें आपकी ज़बानी भी क्लियर हो रही हैं लॉर्ड मेयर साहब, जो लाहौर का 2018 का और 2019 का बजट था 10.75 बिलियन रुपीज़ था, जिसमें से 30 करोड़ रुपए स्ट्रीट रोड्स की मद में थे, रोड्स बनवाने, पैच वर्क करने, इसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स की मद में 15 करोड़ थे, इसके अलावा फिल्ट्रेशन प्लांट्स की मद में 15 करोड़ थे। अब ये इतने करोड़ और दीगर भी, अभी नाज़रीन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं तमाम बजट कितना था 2018-2019 का, कितने पैसे लगे? हमारा जो तरक्याती स्कीम है वो बिल्कुल नहीं लगी हैं, उसके बाद जो मेंटेनेंस के काम है जो पुराना चला आ रहे थे जो रह गए थे वो हम कंप्लीट कर रहे हैं, उसके अलावा ना तो हमारे ऑफिसर्स जो हैं वो टेंडर लगा रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट के जो महकमे हैं वो उनको डराते हैं, और पूरे पंजाब में आपने देखा होगा कि बहुत सारे शहरों में ज़िलों में एंटी करप्शन के लोगों ने भी लोगों को उठा लिया, अफसरों को, और अफसरों को डिप्टी कमिश्नर्स ने पाबंद किया कि हमारी इजाज़त के बगैर आपने टेंडर्स नहीं लगाने। तो ये लाहौर का ही मसला नहीं है, हमारी PMLN की हुकूमत के जाने। सेक्रेटरी बलदियात क्या कहते हैं? सेक्रेटरी बलदियात कहते हैं कि जी आप स्कीमें लगाएं, थोड़ी थोड़ी लगाएं। क्यों थोड़ी थोड़ी क्यों लगाएं? उनको ऊपर से जो हुकूमत के मुंतखब वज़रा हज़रात हैं वही उनको डायरेक्शन देते हैं। देखें मेरी बात सुने, जो ब्यूरोक्रेसी होती है ना ये हुकूमत के ताबे होती है, मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के मातहत होती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो हैं वो इलेक्टेड लोग जो हैं मिनिस्टर्स वो बनाते हैं। वो चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं चाहते लाहौर तरक्की करे फिर? वो इसलिए कि लाहौर जो है PMLN का गढ़ है, ये जो लोकल गवर्नमेंट के हम इलेक्टेड लोग हैं MCL में 319 में से जो है वो 300 के करीब जो है वो हमारे हैं, तो अब आप देख लें कि उनको ये बर्दाश्त नहीं है कि PMLN के लोग जो हैं यहाँ फ्लरिश हों, लोगों की खिदमत करें, लोगों के काम करें, और वो शायद ये इम्प्रेशन बनाना चाहते हैं कि मैं लाहौर शहर से रिवेंज लेना, ये कहाँ की कहाँ का इंसाफ है? अवाम इनसे खुद पूछेगी, डेमोक्रेसी जो है वो उसमें तो लोग इम्तहान में डालते हैं। सलीम खान साहब के बाद बशारत साहब आए, कोई तब्दीली आई? मेरा नहीं ख्याल कि कोई तब्दीली आई है, क्योंकि वहीं की वहीं चीजें खड़ी हैं, नथिंग इज हैपनिंग। टाइम दे रहे हैं बलदियात को? कौन? राजा बशारत? नो, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, ये वजारत कैसे चल रही है? तो मुझे क्या पता, सेक्रेटरी जाने या वजीर साहब जाने, हम लोग इलेक्टेड लोग। आपके साथ मीटिंग कब हुई उनकी? मेरी अभी तक मीटिंग नहीं हुई। ये अभी तक मीटिंग ही नहीं हुई, तो ये कैसे चल रही है वजारत? तो हुकूमत से पूछे ना बेटा, हुकूमत पंजाब गवर्नमेंट जो है वो PTI की है, ठीक है, हमारे जो है 12-13 लोग इन्होंने पंजाब में से हमारी पार्टी और आज़ाद जीते हुए जो थे PMLN के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन वगैरह, और उन्होंने इनके हाथ पे हाथ रखा लबबैक का PTI को। कल मेरी उनसे मुलाकात हुई, वो आए हुए थे फिर सेक्रेटेरिएट में, मैं भी जाता हूँ सेक्रेटेरिएट में हर दूसरे तीसरे, आपकी उनकी मेरी उनसे मुलाकात होगी, और मैं क्या की लबा जे उधर जाके कुछ लबा जे, अः कुछ नहीं लबा, तो मैं क्या फिर कादे लिए अपना अपने घरों उधर गए हो, अः बड़े सीरियसली सोच रहे हैं कि वापस आ जाइए, तो मैं क्या ये थोड़े तो डिपेंड करता, मैनू ये दसो कि तुम अगर उधर गए हो तो लबा कीजिए, थोड़े जिले के फंड रिलीज हुए ने नहीं हुए, स्कीम की इजाजत मिली है नहीं हुई, तबादले पोस्टिंगा तुम्हारी मर्जी के हुए ने, कहते हैं जी असं कराना नहीं चाहते, मैं क्या ना कहो वो थे जिन्होंने पार्टी तब्दील, जिन्होंने पार्टी तब्दील की हुई है, तो जब तब्दील करने वालों का ये हाल है तो मैं तो अल्लाह नवाज शरीफ का सिपाही हूँ भाई, PMLN का सबसे बड़ा अपने आप को वर्कर समझता हूँ, लाहौर का मेयर हूँ, झंडा PMLN का मेरे हाथ में, तो मुझे कैसे बर्दाश्त करेंगे? इमरान मलिक साहब, अब्दुल अलीम खान साहब के बाद बशारत साहब के पास कलमदान आ गया, एक भी मीटिंग बलदियात के वो डिप्टी लॉर्ड मेयर लाहौर, लॉर्ड मेयर लाहौर के साथ, तो फिर ये लाहौर कैसे चल रहा है? असल में आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि आप कसूरवार हैं लॉर्ड मेयर को, तो लॉर्ड मेयर कसूरवार नहीं, मसाइल का शिकार है, और क्योंकि इनको पहले अली मोहन साहब इनके पीछे चढ़े हुए थे कि लाहौर के लॉर्ड मेयर के पास अपने ड्राइवर का तबादला करने के अख्तियार नहीं है, अब इनके अपने ही डिप्टी मेयर जो हैं, अपने ही चेयरमैन जो हैं, इस वजह से शिकवे शिकायत तहफ़ुज़ात बयान कर रहे हैं कि काम नहीं लग रहे, खुद एक बंदा फादर ऑफ सिटी कह रहे हैं कि यार मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा, और का कितना नुकसान हो रहा है, और का बेहद नुकसान हो रहा है, 8 माह हो गए कोई एक काम नहीं हो सका सिवाय 5 शेल्टर होम्स के,
پانچ شیلٹر ہوم وہ پی ایم نے چکے کا ناظرین جب سے پاکستان تحریک انصاف نے میری یار سن لے میں بات جو ہے نا اپنے سے نہیں کہتا آج ہی کے اخبار میں آیا ہوا ہے کہ لاہور کے جو شیلٹر ہومز ہیں وہ ابھی تک وہ جو پکی بلڈنگز بن رہی ہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہو رہی ہیں اچھا اب ٹیمپریری شیلٹر بنایا تمبو پائے نے کناتا لائی نے کب تک تمبو کناتے چلیں گی بھائی کون سا قانون بنا ہے پنجاب اسمبلی میں سے اس کو چلانے کے لیے تو یہ تو جو ان کے اپنے منصوبے ہیں وہی نہیں ہو رہے مطلب قانون پاس کروائے بغیر میری بات سنیں آج آپ نے اخبار میں ایک خبر پڑھی ہوگی کہ سیاسی مشیر جو ہیں پولیٹیکل ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر وہ پارکنگ کمپنی کی میٹنگ لے رہے ہیں تو پارکنگ تو بلدیات کا محکمہ ہے منسٹر بلدیات اور سیکرٹری بلدیات کا محکمہ ہے جو یہ ہے اپنا ایل ڈبلیو ایم سی جورسڈکشن سے تجاوز کر رہے ہیں ایل ڈبلیو ایم سی سوچ لیں ڈپٹی کمشنر کا کیا کیا ہے اتھارٹی اور قانون اور اس کے جو ذمہ داریاں وہ کیا ہیں وہ پڑھ لیں بورڈ ایگزسٹ نہیں کر رہا ایل ڈبلیو ایم سی کا اور چیئرمین ڈپٹی کمشنر کو لگا دیا ایک اور سرکاری افسر جو ہے اس کو ادھر ایم ڈی لگا دیا ایل ڈبلیو ایم سی کا بھائی ویئر از دا بورڈ تو جب آپ کو خود ہی نہیں پتا کہ کسی محکمے کو کس طرح چلانا ہے یا کسی کمپنی کو کس طرح چلانا ہے تو اس کا جو الٹیمیٹ اینڈ ریزلٹ ہے وہ یہی ہے نا کہ گلیوں میں گند ہو گیا اور لوگوں کو تنخواہیں نہیں ملی تھی آپ کو پتا لاہور کا کتنا نقصان ہو گیا لاہور نہیں تو بدنام ہو رہا ہے آپ دیکھیں جب لوگ جو پچھلے سال چھٹیاں منانے آئے تھے نا دسمبر میں بہت سارے لوگ آتے ہیں تو جو اس سال دسمبر جنوری میں لوگ آئے تھے ہمارے ایکسپیٹریٹس وہ آ کے کہتے ہیں میرے صاحب لاہور نو کی ہو گیا میں کہا جی پوچھو جنہاں کو حکومت دے گی عوام کے پرسپیکٹو سے بھی سوال بنتا ہے عوام کہتی ہے ہم نے تو آپ لوگوں کو ووٹ دیا تو عوام کو یہ بھی نظر آ رہا ہے قصور ہے ان کا کیسے جواب دیں عوامی کا تو قصور یوں نہیں بنتا ہے کہ انہوں نے ہمیں الیکٹ کیا اب اس قصور کی جو سزا ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت لاہور کے عوام کو دے رہی ہے کہ آ سکتے ہم سیاسی لوگ ہیں ایک دوسرے کو برداشت کریں جس کا جو کام ہے اس کو کرنے دیا جائے تاکہ سمجھائے گا پھر حکومت میں تو آپ کے سامنے بھائی سپریم کورٹ میں چلا گیا تو پھر الٹیمیٹ اینڈ ریزلٹ یہی ہوتا ہے نا آپ کورٹ فیصلہ دیں گی اور کورٹ جو ہیں وہ پولیٹیکل سسٹم کو ڈیموکریٹک سسٹم کو بہت اچھی طرح سمجھتی ہیں مانتی ہیں تو سپریم کورٹ جس کے بلبوتے کے اوپر بلدیاتی نظام کو بحال کیا گیا تھا ایک مرتبہ پھر لارڈ میئر لاہور کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید صاحب نے اسی سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے اور آنریبل سپریم کورٹ کسی نہ کسی معاملے پر پہنچ جاتی ہے تاکہ ایک اتنے بڑے شہر کا نقصان نہ ہو کیا دیکھ رہے ہیں فیوچر مدیحہ پتہ کیا ہے اس وقت جب تک تحریک انصاف کی گورنمنٹ رہے گی میئر لاہور چیئرمین ڈپٹی میئر بھول جائیں گے ان کو فنڈ ملیں گے یا ان کو گورنمنٹ چلانے دیا جائے گی اب یہ ہونے لگا ہے سولوشن بھی تو کہیں نہیں آ رہی ہے دوسری اس پارٹی کی جانب سے سولوشن یہ ہے کہ پرسوں سیکرٹری بلدیات نے جتنا بھی مسودہ تھا وہ وزیر قانون کے حوالے کر دیا ہے ان قریب انہوں نے اسمبلی میں پاس کرنا ہے جس دن اسمبلی میں پاس ہوگا سامنے ساری چیز آ جائے گی کیونکہ لاہور یہ پوچھ رہا ہے کب اس کی لاہور کی باری کب آئے گی لاہور کے شہری پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ دوبارہ سے شہر کو گندا دیکھیں گے دوبارہ سے تنہاؤں کا مسئلہ بڑھے گا پارکنگ کمپنی تو پارکنگ سٹینڈوں کی وہی صورتحال ہے تجاوزات کی وہی صورتحال ہے کوئی ایسا کام لاہور میں چل نہیں رہا کیونکہ سٹرک ہوا ہوا ہے ہر کام کہاں سے کام میں تحریک انصاف کی کیا مجبوری ہے کہ ابھی تک نیا مسودہ نہیں آیا جو ترقیاتی بلدیاتی نظام کے لیے بل پاس کرنا تھا ان کی کیا مجبوری ہے بھائی وہ کیوں ان کو کام کرنے دیں گورنمنٹ ان کی ہے جو بھی ہے نیا بلدیاتی نظام لانا تھا ابھی تک کیوں نہیں آیا مدیحہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ ان کے اس کی کیا ریزن ہے یو ٹرن پہ یو ٹرن ہے یہ ان کا اپنا ہی ایک دیکھیں رپورٹس کیا کہتی ہیں کیا مجبوری ہے کیا کیوں اس یو ٹرن لینے پر مجبور ہوئی ہے پارٹی دیکھیں پہلے ایک بلدیاتی نظام کو بنایا جا رہا تھا جس طرح کا وہ بلدیاتی نظام چاہ رہے ہیں نا کے پی کے طرز کا ہو کونسلز اور خسرہ نمبر اور جتنے بھی ہمارا موزہ جات ہے 25,000 موزہ جات ہے پورے پنجاب میں اس کے مطابق ایک ایک موزہ جات کی ایک ایک یونین کونسل ہو ولیج کونسل ہو اس کے ساتھ لیبر یعنی کہ ایک ایک طرح سے وہ اس کو خدوحال کو دیکھ کر سیکرٹری بلدیات کہتے ہیں ان سے ہماری کوئی چار دن پہلے بات ہوئی انہوں نے کہا جی میں نے اپنا پورا مسودہ جو ہے وہ وزیر بلدیات اور وزیر قانون کیونکہ وزیر قانون کے پاس پہلے جاتا ہے وزیر بلدیات کے پاس بعد میں جاتا ہے وہ ایک ہی وزیر ہیں ان کے پاس دو منسٹریز ہیں انہوں نے اب یہ مسودہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے ان قریب انہوں نے مشاورت کرنی ہے کیونکہ پی ایم لاہور آ رہے ہیں ہفتے والے دن ان سے مشاورت ہوگی اور پی ایم کے پاس تو اتنے اختیارات ہیں نہیں کہ وہ مسودہ جو ہے وہ پاس کروا دیں کیونکہ ابھی جو سچ یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب ہیں وہی فرسٹ اسٹیپ پر کھیلتے ہیں اور وہی کپتان ہیں کپتان کی مرضی کے بغیر یہاں پہ پتہ نہیں ہل رہا ہے اس طرح کی سچویشن ہے جو ہم ایز اٹ از رپورٹ کر رہے ہیں میئر صاحب آخری کمنٹ آپ نے دینا ہے لاہور شہر کا مستقبل کہ پچھلے دنوں تین دن بارشیں رہی ہیں نا تو جب شہباز شریف صاحب بوٹ پہن کے جا کے لکشمی چوک میں کھڑے ہوتے تھے
और जिसको आप पानी वहाँ खड़ा नहीं होता है, इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। सारे शहर की गलियों में 3-3 फुट 2-2 फुट पानी खड़ा था, तो क्या अब इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है? क्या अब मिनिस्टर्स नहीं है? वो भाई अगर वो बूट पहन कर जाते थे और आप लोग कहते थे कि दिखावे के लिए जाते हैं, तो आप भी चले जाए ना, लोगों को ये तो पता चले कि आप इलेक्टेड मिनिस्टर्स हैं, आप गलियों और मोहल्लों में आए हैं। 6 दिन के बाद 5 दिन के बाद 4 दिन के बाद वो पानी उतरा है, और वो 6 दिन 7 दिन तो पानी ज्यादा था। अब जो पानी का वहाँ चिकड़ पड़ा हुआ है, क्यों वासा काम नहीं कर रही है? सारा जो लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल अटैच मुबशीर जावेद साहब, जो सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार साहब हैं, उनकी वर्किंग कंडीशन के ऊपर क्या कमेंट देते हैं? वर्किंग आपके सामने है, मैंने क्या कहना है? वो काम उनके इख्तियार है, उनके पास। आप लोग उनका इंटरव्यू भी लेते हैं, कल वो असेंबली में भी गए थे, असेंबली का कोरम पूरा नहीं हुआ था, वो आधे घंटे के बाद अपने ऑफिस में तशरीफ ले गए। मुझे क्या पता, आप उनसे पूछे का कमेंट मांगा? नहीं, मैं तो अपने पास से कह रहा हूँ, क्यों गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के वो है इलेक्टेड है असेंबली से, लोगों के वोट लेकर आए हैं, सारा कानून जो है इज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस, हर चीज उनके पास है। और के लिए काम कर रहे हैं वो? वो आपके सामने है, मैंने अपना जवाब दिया। कमेंट नहीं देंगे जी? कमेंट नहीं देंगे? मैं कमेंट का है ना कि लाहौर सारा गंदा हो रहा है, उनके पास पूरा पंजाब है, लाहौर के जिम्मेदार जो है वो हम है, हमें अलाउ करें। बलदियाती सिस्टम के ऊपर जनाब इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं किसी एमएनए एमपीए को नहीं दूंगा ग्रांट, कल के अखबार में आपने पढ़ ली ना, पंजाब भर के जो एमपीए हैं पीटीआई के, उनको अरबों रुपए की ग्रांट देने जा रहे हैं। लाहौर में एक एमएनए जो पीटीआई के, उनको 15 करोड़ की ग्रांट का ऐलान हुआ था, अखबारों में ये आया था, मैं अपने पास से नहीं ये कह रहा हूँ चीज़ें। तो वो तो खुद ही अपने कहे हुए अल्फाज, अपने कहा हुआ मैनिफेस्टो आप कह लें, जो कि उनके पास नहीं है, वो खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, और हम तो आपके थ्रू या अखबारों के थ्रू देखते हैं। ठीक है, कर्नल टाइड मुबशीर जावेद साहब बहुत शुक्रिया हमने आए प्रोग्राम में आज तशरीफ लाने के लिए। इमरान मलिक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ए टू जी तमाम कहानी आपने जानी है, लाहौर शहर और लाहौर शहर के रहने वाले क्या कह रहे हैं अपने ही शहर के हवाले से, और वो शहर जिसका तरक्की का ग्राफ ऊपर जा रहा था उसका ग्राफ अब मौजूदा सूरत हाल में कहाँ है, ये तमाम कहानी टॉप स्टोरी की जबानी आपने सुनी है, और फैसला आपको करना है और देखना है कि ये जो रुके हुए काम है कब बहाल होंगे, और जो हमने और आपने और जो शहर लाहौर ने और पंजाब भर ने पाकिस्तान भर ने जिस जमात को चुना है वो लाहौर की किस्मत में क्या लिखती है, ये देखना अभी बाकी है। मुझे प्रोग्राम टॉप स्टोरी से इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान पाइंदाबाद।